Phenomenal class, absolutely brilliant form with the knee. दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 48वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक बार फिर से पृथ्वी शॉ फ्लॉप रहे और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर वो कैच आउट हुए। अपनी पारी में पृथ्वी ने 11 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 7 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में अय्यर ने 12 गेंदें खेली जिसमें उन्होंने 14 रन बनाए और एक छक्का भी मारा। वहीं दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और उन्होंने थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन वो भी इस मैच में फ्लॉप रहे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर वो मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट हुए। अपनी पारी में पंत ने 14 रन बनाए और 20 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने एक चौका भी लगाया। वहीं दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस और वो भी इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी कैच आउट हो गए। अपनी पारी में स्टोइनिस ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। दोस्तों, एक छोर से दिल्ली के विकेट गिरते जा रहे थे और कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी छोर पर खड़े सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इस मैच में भी बेहतरीन पारी खेलते हुए एक बार फिर से शतक ठोक दिया। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने अपने पिछले मैच में भी शतक ठोका था और अब इस मैच में भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आसानी से दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और शतक जोड़ दिया है। इसी बीच 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज सिमरन एटमायर भी बोल्ड हुए। अपनी पारी में एटमायर ने 6 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से 10 रन बनाए। इसी तरह से दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। वहीं शिखर धवन 61 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में शिखर ने 12 चौके और 3 लंबे गगनचुंबी छक्के मारे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और तीसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान केएल राहुल कैच आउट हुए। अपनी पारी में राहुल ने 11 गेंदें खेली जिसमें 15 रन बनाए, उसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वहीं इसके बाद नए बल्लेबाज क्रिस गेल भी इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने अपनी छोटी पारी में कुछ ताबड़तोड़ रन जरूर जोड़े। फिर उसके बाद 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी बोल्ड हुए। अपनी पारी में गेल ने 13 गेंदें खेलते हुए 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों, फिर 6वें ही ओवर की 5वीं गेंद पर एक और नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी रन आउट हुए। अपनी पारी में मयंक ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए निकल्स पूरन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और तूफानी अर्धशतक भी ठोका। जी हां, आपको बता दें, पूरन ने मात्र 28 गेंदों में 53 रन ठोके। अपनी पारी में पूरन ने 6 चौके और वहीं 3 लंबे छक्के मारे। वहीं दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की और शुरुआत में वो थोड़ा धीमा जरूर खेले लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आईपीएल 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।